नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है। हालांकि मौत के मामलों में कोई कमी नहीं आई है, वहीं देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। इस बीच कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज के बीच गैप बढ़ाने को लेकर अमेरिका के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने चेतावनी दी है। अमेरिका में संक्रामक बीमारियों के सबसे एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के दो डोज के बीच का गैप बढ़ाने से वायरस के वेरिएंट से संक्रमण होने की आशंका बढ़ सकती है। एनडीटीवी से खास बातचीत में अमेरिका के कोविड एक्सपर्ट और राष्ट्रपति के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि ज्यादा लोगों को टीका ना लगा हो तो डेल्टा वेरिएंट वाले किसी भी देश का चिंतित होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के बीच अंतराल बढ़ाने से लोगों के वायरस के वेरिएंट की चपेट में आने की आशंका बढ़ सकती है। गौरतलब है कि पाइफर वैक्सीन के लिए दोनों डोज का अंतराल 3 और फिर मॉडर्ना के लिए 4 हफ्ते हैं। डॉक्टर फाउची ने कहा कि इस समय अंतराल को बढ़ाने से दिक्कत ये होती है कि कोविड के नए स्ट्रेन के खिलाफ आपका वैक्सीन कवरेज कमजोर हो सकता है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि हमने देखा है कि यूके में जहां वैक्सीन की खुराक में अंतराल बढ़ाया गया और लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित हो गए, इसलिए हम निर्धारित समय अंतराल के साथ ही टीका लगाने की सलाह देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन के बीच का अंतराल उस स्थिति में अच्छा है अगर कोई देश वैक्सीन आपूर्ति को लेकर मुश्किल का सामना कर रहा हो। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने ही भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका कि कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच के अंतराल को 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था। ये दूसरी बार है जब कोविशील्ड की खुराक में अंतराल बढ़ाया गया। मार्च में राज्यों से बेहतर नतीजों के लिए अंतराल को 28 दिन से बढ़ाकर 6 हफ्ते करने के लिए कहा गया था। एनडीटीवी से खास बातचीत में डॉक्टर फाउची ने कहा कि डेल्टा वेरियंट भारत के कई प्रदेशों में पाया गया है, ये काफी तेजी से फैलता है, ऐसे में किसी भी देश का चिंतित होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में ये वेरिएंट है उसे इससे निपटने के लिए खास तैयारी करने की भी जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों से हमारी अच्छी बातचीत हुई है, कोरोना को लेकर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर फाउची ने कहा कि ये एक बेहद ही खतरनाक वायरस है और परेशानी खड़ी कर रहा है। भारत ने इसका काफी सामना किया, पूरी दुनिया को मिलकर अब इस वायरस का सामना करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।